Hello children, good morning everybody. Today we will discuss about fibers in this lesson, uses of plants. Okay, so we will discuss, open your page number 226 of your crystal book. Okay, so we will discuss about fibers. What are fibers? From where do we get fibers? What is fiber? Fiber kya hota hai? Fiber hame kahan se milta hai? So we will discuss about this. So first of all, what is written here? We get cotton and from cotton plants and jute from jute plants. आपने cotton का name सुना होगा. Cotton के बहुत सारे clothes बनते हैं, आप clothes पहनते भी हो, ठीक है. और jute आपके लिए new word है कि jute शायद आपने नहीं भी सुना होगा, ठीक है. तो jute क्या होता है? Jute के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है. कॉटन कहाँ से मिलता है पता है आपको? कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन आपको मिलता है, कॉटन का प्लांट होता है. क्या होता है? देखो, दिस इज प्लांट ऑफ कॉटन. ये आपको जो प्लांट दिख रहा है ना, ये कॉटन का प्लांट है. इसके ऊपर वाइट वाइट कलर का कॉटन आता है. उस कॉटन से क्या बनता है? ये थ्रेड बनता है, ठीक. और थ्रेड से क्या बनता है? क्लोथ्स बनता है, ठीक है. तो इस तरीके से कॉटन क्या है? ये फाइबर है. क्या है? फाइबर है, ठीक है. फाइबर से और हम डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स बनाते हैं. सेम वे जूट भी क्या है? दिस इज ऑल्सो अबाउट फाइबर. फाइबर जिसकी हेल्प से हम क्लोथ्स एंड डिफरेंट आइटम्स बनाते हैं, क्लियर. तो जूट का भी प्लांट होता है बच्चों, जैसे आपका कॉटन का प्लांट होता है, सेम वे जूट प्लांट से हमें क्या मिलता है? जूट मिलता है, ठीक है. कॉटन इज यूज टू मेक क्लोथ्स. कॉटन से हम क्लोथ्स बनाते हैं. अब जूट का क्या यूज है? व्हाट इज द यूज ऑफ जूट? जूट इज यूज, जूट से क्या क्या बनता है? जूट इज यूज टू मेक क्लोथ्स, बैग्स एंड सैक्स. क्लोथ्स तो सभी जानते हैं क्या होता है, बैग सभी जानते हैं. जूट के बैग बनते हैं, है ना. जैसे पेपर बैग होता है, वैसे ही जूट के भी कैरी बैग बनते हैं, जिसमें अपन आइटम लेकर के जा सकते हैं. और सैक्स बोलते हैं फिर जूट की जो बोरियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, जिसमें पैकिंग होती है, उसको हम बोलते हैं सैक्स. सैक्रेस नाम सुना है ना आपने? आपके यहाँ जब स्पोर्ट्स मीट होता है तो सैक्रेस होता है. वो क्या होता है? सैक में जो है हम पैर डाल के रेस लगाते हैं, तो सैक्रेस. तो वो जो वर्ड है ना सैक, सैक्स क्या होते हैं? बोरियों को बोलते हैं, जो जूट की बोरियाँ होती है उनको बोलते हैं सैक्रेस, ठीक है. क्लियर हो गया? तो जूट की बोरियों को क्या बोलते हैं हम? सैक्स बोलते हैं, क्लियर. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, ऑन पेज नंबर. तो आपको पता चल गया फाइबर्स, देयर आर टू फाइबर्स. वन इज कॉटन, अनदर इज जूट, दैट वी गेट फ्रॉम कॉटन एंड जूट प्लांट्स, क्लियर. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, ऑन पेज नंबर 227. अब अपने 227 पेज पर डिस्कस करेंगे. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फाइबर्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वुड. वुड सबको पता है, वुड लकड़ी को बोलते हैं. और लकड़ी कहाँ से मिलती है? ट्रीज एंड प्लांट्स से मिलती है, ये सबको पता चल गया. So we will discuss here about this. We get wood from plants. Wood हमें कहाँ से मिलती है? Plant से मिलती है. Wood from trees such as sal, teak and rosewood is used as timber. है ना? अब एक word आया आपने, sal, teak, rosewood. क्या क्या words आए इसमें? एक तो साल, एक आया टीक, इस एक आया रोजवुड. ये सब क्या है? डिफरेंट वुड हैं, डिफरेंट ट्रीज के जो डिफरेंट वुड होते हैं उनके नेम हैं. तो इन वुड को हम किसके लिए एज ए टिम्बर के जैसे यूज़ करते हैं, यूज एज टिम्बर. टिम्बर मीन्स जिसका हम क्या बनाते हैं? फर्नीचर और हाउसेज बनाते हैं ना, वो वुड जिससे हम टिम्बर, जिससे हम क्या क्या बनाते हैं? फर्नीचर, है ना, और डोमेस्टिक फर्नीचर और हाउस बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? टिम्बर वुड है, ठीक है. तो टिम्बर इज यूज टू मेक क्या क्या बनाते हैं? टिम्बर इज यूज टू मेक फर्नीचर एंड हाउसेस. तो टिम्बर से हम फर्नीचर भी बनाते हैं और हाउसेस बनाते हैं. फर्नीचर डोर, टेबल, चेयर, है ना, ये सब क्या है? फर्नीचर के अंदर आते हैं. सोफा, ऑल दीज आर फर्नीचर, ठीक है. डाइनिंग टेबल, डाइनिंग चेयर्स एंड सो ऑन, क्लियर. नेक्स्ट, वुड इज also used to make paper, matchsticks and pencils. और wood का क्या use है?
वुड तो बहुत काम की चीज़ है, वुड से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, पता है आपको, है ना। जैसे कि अब इसमें क्या क्या दिया है, एक तो टिम्बर फर्नीचर एंड हाउसेस बनाने के काम आया है ना, और पेपर भी बनता है वुड से, और क्या क्या बनता है, मैचेस स्टिक्स बनती हैं, मैचेस स्टिक्स जो अपने डेली यूज में काम में आती है, पेंसिल्स जो आप सभी लोगों को डेली काम में आती है, वो भी किससे बनती है, वुड से बनती है। नेक्स्ट, वी यूज वुड एज फ्यूल, किससे बनती है, इससे फ्यूल किसको बोलते हैं, पता है आपको, फ्यूल बोलते हैं जो, जैसे हम पहले, अब तो अपने गैस बर्नर चल रहे हैं, तो पहले हम क्या करते थे, वुड का यूज़ करते थे, जो घर में जो खाना बनाते थे ना पहले समय में, तो वो किस पे बनाते थे, जो 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 अपन चूल्हा बनाते थे उसके अंदर वुड से फायर जलाते थे, फिर उसके अंदर हम खाना बनाते, तो फ्यूल के रूप में भी यूज़ होता है कौन, वुड। लकड़ी जो है जलाने की भी काम आती है, आती है, आप विंटर सीजन में देखो वुड कितना काम आती है तापने के लिए, अब तो आजकल खैर हीटर चल गए मॉडर्न टाइम में, बट वुड आज भी विलेजेस के अंदर देखो तो आप, वुड इज़ यूज एज फ्यूल, ठीक है, एंड टू लाइट फायर, और आग जलाने के काम आती है, फायर जलाने के काम आती है ना, समझ में आ गया। तो वुड के बहुत सारे यूजेस हो गए, वुड इज यूज फर्नीचर, हाउसेस, पेपर, मैचेस स्टिक्स, पेंसिल्स, एंड यूज एज फ्यूअल एंड टू लाइट फायर ऑल्सो, क्लियर। तो ये बहुत सारे यूजेस हैं जो वुड के यूजेस हैं, और वुड हमें कहाँ से मिलती है, आपको प्लांट से मिलती है, ट्रीज से मिलती है ना। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे प्लांट्स एंड ट्रीज के बारे में, बाकी का जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अच्छा चिल्ड्रन, हम इस पिक्चर स्टडी को देखते हैं, व्हाट इज दिस, इसको आप क्या लिखोगे, दिस दिस इज़ ब्रोकोली, आपको ये ब्रोकोली का पिक्चर दिख रहा है, जो कॉलीफ्लावर जैसा ग्रीन कलर का होता है, कॉलीफ्लावर जैसा ही शेप होता है इसका, बट इट इज़ ब्रोकोली, तो आप यहाँ पर ब्रोकोली लिखोगे, और इट इज़ अ फ्लावर, ये फ्लावर पार्ट है अपने प्लांट का, क्लियर। तो चिल्ड्रन यू रिवाइज यूजेज ऑफ वुड, हम वुड से क्या क्या चीज़ें हम बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, और टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स वी हैव डिस्कस्ड, कॉटन एंड जूट, फ्रॉम कॉटन प्लांट्स एंड जूट प्लांट्स विच आर यूज टू मेक क्लोथ्स एंड बैग्स एंड सम अदर थिंग्स। तो क्लियर चिल्ड्रन, सो यू रीड दिस लेसन केयरफुली अप टू दिस पेज 227 पर, आपको वुड तक, आपको जहाँ तक मैंने आज कंप्लीट कराया है, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट करोगे, ठीक है, और उसके बाद में रिवाइज करोगे, क्लियर। ओके चिल्ड्रन, सो बाय, हैव ए नाइस डे।